النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة. अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग मदीने जा रहे हैं। हम लोगों ने बस से ट्रैवल किया था मक्का टू मदीना, और पीछे बैठ के बड़े सुकून से मज़े से हम दोनों ने ट्रैवल किया था वहाँ पे। किस्मत में मेरी चैन से जीना। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मदीने। गेट नंबर 6 के पास हमारा होटल था, और ये होटल के बाहर का है एरिया सारा। इस बस से हम आए थे और ये हमारा होटल है। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए। हमने अपना सब सामान रख के फिर हम लोग हरम में एंटर किया अपने होटल के पास वाले गेट से। तो आप ये देख सकते हैं इतना खूबसूरत, माशाल्लाह से कितना अच्छा है। ताजदार हरम दारे हरम ओ निगाहे करम ताजदारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां, क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम। तो ये है एंट्रेंस मस्जिद की। बस आप खूबसूरती देखें, कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है, कितना अच्छा है ये माशाल्लाह से हर जगह, मतलब देख के सिर्फ सुभान अल्लाह माशाल्लाह पढ़ते रहें बस। ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम, ओ निगाहे करम चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम। ये हमारे हुजूर पाक का रोज़ा मुबारक। यहाँ पे एक टाइम होता है, उस टाइम से गेट खोला जाता है और फिर सब लोग यहाँ पर आके सलाम करते हैं हमारे हुजूर पाक को। कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया, आपके दर से कोई न खाली गया। सवाल ही गया अपने दामन को भर के सवाल।
हजीं ओ हबीबे हजीं, पर भी आका नजर मरना आरा के हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम मैं कशो आओ आओ मदीने चले कशो आओ आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले जब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में बड़ा है रास है राहे खुदा मदीने में आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले मदीने चले। ये है कुछ ज़ियारतें जोसेफ तालिब ने की थी और ये है मस्जिद क़िबलतैन जहाँ पे हमारा क़िबला मुकम्मल हुआ था। आगे आप लोग इस मस्जिद के अंदर की भी वीडियो देखेंगे। उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। वो नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं ज़्यारतों पे इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इस वजह से मजबूरी में मैं नहीं गई थी। मेरा ये सेकंड उम्रा था, मैं दूसरी बार गई थी, पहले अपने पेरेंट्स के साथ गई थी और सेकंड टाइम मैं तालिब के साथ गई थी अपने शोहर के साथ। अल्लाह पाक हम सबको फिर से दोबारा नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग नहीं जा पाए हैं तो अल्लाह पाक उनको अभी अपना घर दिखाए खैर के साथ। आप ही घर न लेंगे। सारी वीडियोस तो नहीं है ज़्यारतों की, पर कुछ ही वीडियोस हैं। और ये जो पहाड़ है ये हमारे जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है जो हमें जन्नत में भी ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा। या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हम बेचारा दामातु दामातु मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मेरा पुरसातु। ये मदीने में हरम के पास म्यूजियम है और यहाँ पे एक कुरान शरीफ बनाया हुआ है। एक पाकिस्तानी औरत ने कुरान शरीफ सुई धागे से लिखा था पूरे 32 इयर्स में। जस्ट इमेजिन, सुभान अल्लाह। दिल हरम बल्लिग सलामी रोजतन फीहन नबी अल मोहतरम ताजदारे हरम ओ निगाहे कर
इंसान क्या कहेगा जहां, अमीर इंसान क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम। अल्हम्दुलिल्लाह घर जाने का वक्त हो गया है। हम लोगों ने बस से हम लोग एयरपोर्ट गए थे, मदीने के एयरपोर्ट गए थे। ये मेरी बहुत गंदी पिक्चर है क्योंकि और कोई मेरी पिक्चर्स ही नहीं है इतनी। हम लोग मदीने से जद्दा गए थे बाय प्लेन। हम जद्दा में लैंड हुए, मुश्किल से एक डेढ़ घंटे की फ्लाइट थी। तो फिर हमारे लैंड होने के बाद हमारी 5 घंटे के बाद फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, लेकिन फिर भी 5 घंटे से ज़्यादा ही हो गए थे। 2 घंटे और एक्स्ट्रा डिले हो गई थी फ्लाइट, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से 2 घंटे लेट। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे ही वेट करा बहुत ज़्यादा, मतलब डिले जितनी भी फ्लाइट थी सब एक ही जगह ही बैठे थे। जैसे आप देख सकते हैं सब अलग अलग कंट्रीज़ के लोग सभी थे। हमने बहुत वेट किया, एक तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब, ऊपर से वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। फाइनली आफ्टर वेटिंग 7 आवर्स हम लोग एयरप्लेन में बैठे और हमारी सीट सबसे आगे ही थी, तो तालिब कॉकपिट की वीडियो बनाने में लग गए थे। ये तालिब ने ही वीडियो बनाई है एयरप्लेन की। يا رسولا جاء يبغي رحمة للعالمين في يديه نور فجر يغمر المعتم فينا रात में निकले थे, फिर दिन हुआ, फिर रात हो गई। खैर से हमने रात में लैंड करा इंडिया में और डायरेक्ट फिर मैं हॉस्पिटल गई, इतनी तबीयत ख़राब थी। तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करना ना भूलें। आप बिल्कुल बताएं मुझको कैसे लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।